आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के बेलगावी में तनाव, लगाई गई धारा 144। बढ़ते तनाव को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने शनिवार सुबह 6 बजे से अगली सुबह तक बेलगावी में धारा 144 लागू कर दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सैलून में आज विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पहले भारत माता की जय बोलो। गुरुग्राम में दक्षिणपंथी समूह के कार्यकर्ताओं और नमाज अदा करने आने वाले लोगों में जारी विवाद के बीच नमाजियों से नारा लगाने को कहा गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी आज करेंगे राजनीतिक दल की घोषणा। चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। चुनाव लड़ने से उन्होंने किया है इनकार। सेंट्रल विस्टा के लिए नए ट्रैफिक प्लान को LG की मंजूरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास। अभी तो IT आया है, ED CBI का आना बाकी है। SP नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर बोले अखिलेश यादव। अमेठी में राहुल गांधी की पदयात्रा के जरिए BJP पर हल्ला बोल। चुनाव हारने के बाद ये दूसरा दौरा। पश्चिम बंगाल में 24 दिसंबर से 1 जनवरी के रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। सरकार की इस घोषणा का कोलकाता के रेस्टोरेंट मालिकों ने रेस्टोरेंट बंद होने का समय 2 घंटे बढ़ाकर देर रात 1 बजे तक करने का अनुरोध करते हुए इसका स्वागत किया है। पहले से शादीशुदा शख्स ने दोबारा निकाह के लिए मांगा 10 लाख का दहेज। लोगों ने कर दी जबरदस्त पिटाई। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन फार्म हाउस का है। पुलिस ने दूल्हे मुजम्मिल हुसैन और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दिल्ली में फिर से शुरू होंगी क्लासेस। दिल्ली के स्कूलों ने केंद्र द्वारा नियुक्त वाणु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कक्षा 6 और उससे ऊपर के लिए कक्षाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि छात्र लंबे समय तक पारस्परिक संवाद से वंचित थे। मुंबई में घटी बच्चे पैदा होने की संख्या, जानकार कोविड महामारी को बता रहे हैं कारण। नवी मुंबई में एक स्कूल के 18 छात्र कोरोना संक्रमित, एक के पिता लौटे थे खतर से। 650 छात्रों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था जिसमें 18 और छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। मुंबई में US से लौटे 29 साल के युवक में मिला ओमिक्रॉन। वैक्सीन की तीनों डोज ले रखी थी। PM मोदी आज रखेंगे UP के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला। 36,000 करोड़ का आएगा खर्च। महिलाओं को आज से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। सरकार मुफ्त में देगी 5,000 रुपये की ये सुविधा। दिल्ली में IGI स्टेडियम के बाहर रिंग रोड पर आज सुबह ऑटो पर गिरा 35 टन का कंटेनर। 4 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली कस्टम अधिकारियों की बड़ी सफलता। एयर कार्गो से छिपाकर भेजे जा रहे 1.56 करोड़ के हीरे किए जब्त। CM चन्नी और सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का डबल अटैक। पाकिस्तानी ड्रोन पर पूछा सवाल। दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक ऐसे देश घाना में बेहद खूबसूरत और अजब गजब तरीके से ताबूत बनाए जाते हैं और मर चुके लोगों को उनके अंदर रखकर दफनाया जाता है। यहाँ पर कई तरह के डिजाइन वाले ताबूत बनाए जाते हैं और उनमें मरने वाले को रखकर दफनाया जाता है। KP एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।